हेलो गाइस नमस्ते। अपन बात कर रहे हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसी का दूसरा नाम है आपके मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं केएफ से। सबसे पहले बात करते हैं केएफ की परिभाषा की, वो अपन को मिलेगा हिमांक के अवनमन से। तो डेल्टा टी एफ बराबर केएफ इंटू छोटा एम। यदि विलयन की सांद्रता एक मोलल हो तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा केएफ। तो परिभाषा मिलेगी एक मोलल विलयन का हिमांक में अवनमन ही उसका हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। दूसरी केएफ की इकाई, तो के बराबर डेल्टा टी एफ बटा छोटा एम। डेल्टा टी एफ की इकाई होती है केल्विन और छोटा एम की इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। तो केएफ की इकाई मिलेगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या इसी को बोलते हैं के मोल इनवर्स। और तीसरी बात, हिमांक अवनमन स्थिरांक केएफ विलायक तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलय पर निर्भर नहीं करता है। धन्यवाद।